सारी दुनिया दे विच भारत देश दा नाम तारे वांगू चमकाउण वाले सरदार मिलखा सिंह उड्डना सिख हुण साडे विचकार नहीं रहे। बीते कल ऑक्सीजन लैवल घट होण कारण उह अकाल चलाना कर गए। दस दईए कि पी जी आई विच दाखल फलाइंग सिख पद्म श्री मिलखा सिंह 91 साल की उम्र विच शुक्रवार की रात 11:30 बजे सदीवी विछोड़ा दे गए। कुछ दिन पहला ही उन्हां दी कोविड रिपोर्ट तां नैगेटिव आ गई सी, पर बावजूद इस दे उन्हां दी हालत विच कोई सुधार नहीं हो सकिया। उन्हां नूं PGI दे कार्डियक सेंटर विच ऑब्जरवेशन विच रख्या गया सी। मिलखा सिंह दी 27 मई नूं करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी। हालत खराब होण तों बाद पहलां उन्हां नूं फोर्टिस हस्पताल विच दाखल करवाया गया सी, जिथे करोना दी रिपोर्ट नैगेटिव आउण तों बाद 31 मई नूं उन्हां नूं डिस्चार्ज कर दिता गया सी। इस तों बाद उह सैक्टर 8 स्थित अपने घर विच कोविड प्रोटोकॉल दे पालन करदे होए आराम कर रहे सन। 3 जून नूं उन्हां दी सेहत एक बार फिर विगड़ गई। ऑक्सीजन लैवल डिगण तों बाद उन्हां नूं PGI दे कोविड हस्पताल विच लिजाया गया। इस तों बाद इत्थे उन्हां दा इलाज चल रहा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों वी सरदार मिलखा सिंह जी दी मौत ते ट्वीट जरिए डूंघे दुख दा प्रगटावा कीता गया। दसणयोग है कि मिलखा सिंह जी की पत्नी निर्मल कौर भी करोना तो पीड़ित सन। उन्हों का मोहाली के फोर्टिस हस्पताल में इलाज चल रहा है। 13 जून को कोविड कारण हालत विगड़न से उन्हों की मौत हो गई सी। मिलखा सिंह जी PGI विच दाखिल होने की वजह नाल उन्हों के अंतिम संस्कार विच शामिल नहीं सी हो सके। हुण मिलखा सिंह जी वर्गे अथलीट की मौत तो बाद इकल्ले भारत नूं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया नूं बहुत वड्डा घाटा पिया।